ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੈਪ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ एसपीजी सेंट्रल फोर्सेस सब उनकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब सेंट्रल फोर्सेस उन्होंने लगाई रखी हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाँ हेलीकॉप्टर से आए जहाज से आए रास्ते में फिर भी अभी भी मुश्किल होगी, क्योंकि आपने सवा साल हर पंजाबी को रास्ते पे रखा है, वो भूलेंगे कैसे यार, आप समझे नहीं। वहां पे 750 किसान हमारा शहीद हो गया, सवा साल कोरोना में वहां पड़े रहे, तो मोदी जी की गाड़ियां धमधनाती जाएंगी तो कोई भी गांव वाला किसी की भी मां बहन कोई उसके मन में क्रोश है गुस्सा है तो कहीं भी बाहर आके मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, इसलिए वो हेलीकॉप्टर और जहाज ही यूज करें। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान कांग्रेस की घटिया षड्यंत्रकारी मानसिकता को दिखाता है। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पंजाब दौरे के दौरान एक खूनी षड्यंत्र, जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया था, और अब फिर लोगों को उकसाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। उसके सांसद रवनीत बिट्टू पंजाब को दहलाने की कोशिश, डराने की कोशिश, पंजाब के अंदर गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से ना आने की धमकी दे रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो भी जिसके घर में आतंकवाद की शहादत हुई हो, वो पंजाब को दहलाने की कोशिश कर रहा है। देश प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना जानता है, और भारत की जनता, पंजाब की जनता मोदी जी से प्यार करती है, इन बातों में आने वाली नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से, नवजोत सिंह सिद्धू से, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, क्या वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं? उनका क्या स्टैंड है? जनता को स्पष्ट करें।